कोरोना संदिग्ध छत से कूदा है। कोरोना संदिग्ध के छत से कूदने की खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर है। सवाई मानसिंह अस्पताल में सामने आई है वारदात। कोरोना संदिग्ध छत से कूद गया है। चरक भवन कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ये भर्ती था, भागने की फिराक में दो मंजिल से ये व्यक्ति कूद गया है, कोरोना संदिग्ध। हमारे साथ सुदर्शन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदर्शन, क्या जानकारी आ रही है? क्या इस व्यक्ति से प्रशासन की बात हो पाई है? क्यों ये व्यक्ति कूदा? अभी इस व्यक्ति की हालत इस वक्त पहले किस तरह की बनी हुई है सुदर्शन? बिल्कुल, हालत जाहिर तौर पर जब दो मंजिल से कूदा है तो हल्की चोटें जाहिर तौर पर इसको आई है, उपचार चल रहा है। मैं आपको बताऊं आशीष की सवाई मानसिंह अस्पताल के जो चरक भवन में अलग से कोरोना ओपीडी वहां पर चलाई गई है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए डॉक्टर्स जो है वहां पर मरीजों को चेक करते हैं। अगर किसी को भी लगता है कि उसको कोरोना है या उसको सिम्टम्स इस तरह के नजर आते हैं तो कहाँ वो चेकअप करवा सकता है, वो SMS अस्पताल के चरक भवन में अपना चेकअप वहां पर जाकर करवा सकता है। वहीं पर चरक भवन में ही उसी से जुड़ते हुए ही जो वार्ड है वहां पर आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं, जहां पर संदिग्ध मरीजों को रखा जाता है। इस मरीज को भी वहां पर रखा गया था और लेकिन ये मरीज अस्पताल में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए इसने वहां से भागने की कोशिश की। इसे मालूम नहीं था इसीलिए ये अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदा, लेकिन नीचे टीन शेड लगा हुआ था वहां पर जाकर ये अटक गया। और जब इसके कूदने की आवाज आई जोर से, तब वहां पर जो सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मी भी तैनात थे वो अचानक उस तरफ दौड़े और तब उन्होंने देखा कि ये युवक जो है ये भागने की फिराक में था और ये कोरोना वार्ड से कूदा है, तो एकदम से वहां पर हड़कंप सा भी मचा। हालांकि इसे नीचे उतार लिया गया और उसके बाद में दोबारा से जो है वार्ड में एडमिट करवा दिया गया है। जी आशीष, धन्यवाद सुदर्शन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जन टीवी की तरफ से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों को, इस तरह की चीजों को ना करें कृपया करके। अगर कोरोना वार्ड में अगर आप भर्ती हैं तो कृपया करके सरकार जो है वो आपका इलाज कर रही है, तो ऐसे में नियमों का पूरी तरीके से पालन करें।